आप सभी बस एक नियम बना लीजिए कि रोज एक जल का लोटा आपको घर पर इस जगह पर रखना है, और फिर देखिए जीवन में किस तरह से चमत्कार आते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहे हैं। 16 दिन अपने आप में चमत्कार की तरह है। इन दिनों धरती पर हमारे पितृदेवता आते हैं और हमारे बीच में वास करते हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है अगर इन दिनों पितरों को प्रसन्न कर लिया जाए तो देवी देवता, जो कि पितरों के बराबर ही पितृदेवता देवी देवताओं के बराबर स्थान हमारे जीवन में जो है प्राप्त करते हैं, शास्त्रों में वर्णित है बराबर का स्थान देवता और पितरों का है। ऐसी स्थिति में जो भी भक्त इन 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न कर लेता है ना, जीवन में कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो जीवन में वंश वृद्धि, धन संपदा, सुख सौभाग्य स्वयं ही उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी भी पितरों की तृप्ति के लिए बस यह सरल सा कार्य करना आरंभ कर दीजिए। यकीन मानिए, समय बदलते देर नहीं लगेगी। आप सभी को क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो रहेगा, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा वादा करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे जल जो होता है वह सभी, जैसे अग्नि तत्व, वायु तत्व और जो जल तत्व कहा जाता है, उन सभी को बैलेंस करने का कार्य करता है। जो जल होता है उसमें ही सभी चीज़ें समाहित होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी को क्या करना है, पूर्ण रूप से शाम के समय जो है आप सभी को घर पर दो स्थानों पर आवश्यक रूप से जल रखना है। इस कार्य को तो प्रत्येक महिला खास तौर पर, पुरुष जन जो भी करते हैं नियम बांध लीजिए इन 16 दिनों में। अन्य दिनों भी करते हैं अति उत्तम है, परंतु इन दिनों कर लेते हैं ना तो अति सुखता के रूप में इसे जाना जाता है। आप सभी को क्या करना है, पहला जल का लोटा शाम के समय पूर्ण रूप से आप सर घर के सारे काम कर लीजिए, साफ स्वच्छ रूप से हो जाइए, हर एक कार्य से निवृत्त हो जाइए, किचन इत्यादि साफ कर दीजिए। अब आप सभी को एक जल का लोटा अपने रसोई घर में भरकर रात्रि को रख देना है, परंतु उसके ऊपर आप सभी कुछ ऐसा कटोरी प्लेट भी रख दीजिएगा जिसके ऊपर आप एक चावल का दाना जरूर से रखेंगे, ठीक है। आपने रख दिया रसोई में जल का लोटा साफ स्वच्छ भाव से। आपके कई बार प्रश्न आते हैं, दीदी हमारे घर पर हम मटका नहीं रखते। कोई दिक्कत नहीं है, जल का स्थान होना चाहिए, जैसे बहती हुई नदी इत्यादि हमारे पास नहीं हो पाती है घर के आसपास, तो हम घर पर ही उसी भाव से दीपदान करते हैं। मटका नहीं है, आरओ लगा है, खाली बाल्टी में भी पानी भरते हैं तो साधारण सरल तरीके से किचन में, यह माने कि मेरा पितरों का स्थान है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ना रखें, सिर्फ दक्षिण दिशा की ओर जो भी वस्तु कर रहे हैं उस समय उसका मुख रख दीजिए, ठीक है। बात हो गई, उस जो जल का लोटा है उसके ऊपर आप सभी एक चावल का दाना रख देते हैं तो अति उत्तम है। नहीं रख पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से आप सभी जो है एक जल का पात्र भरकर साफ स्वच्छ तरीके से रख दीजिए। रखने के बाद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए। उठने के बाद संभव हो तो जैसा आपका रूटीन है, देखिए सभी की दिनचर्या अलग है, सभी का शरीर अलग है, ब्रह्म मुहूर्त में तो हम नहीं कह सकते, जब भी आप उठ पाते हैं आप सभी उस समय उठे, स्नान इत्यादि कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिना स्नान के भी अगर आपकी दिनचर्या जैसी है उस स्वरूप में आप सुखी हैं तो सब सुखी है, आप खुश हैं तो पूरा परिवार खुश है। तो आप जो है बिना नहाए धोए भी इस जल के लोटे को उठाएं इस भाव से कि इसमें मेरे पितरों ने इस पानी को रात्रि भर में पिया है, मेरे घर के सभी पितृ दोष वास्तु दोष इस जल के लोटे में समाहित हो गए हैं, मेरे घर के मुख्य द्वार पर मेरे पितृ देवता जो है आए हुए हैं और रात्रि भर विचरण किए हैं, अवधूत स्वयं कहने का अर्थ है अधोगति में गए या पूर्ण रूप से पितृजन गए हुए, उनका भाव करते हुए स्मरण करते हुए आप सभी इस जल के लोटे को घर के मुख्य द्वार पर रोज छिड़कने का नियम बना लीजिए। यकीन मानिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इनका शास्त्र प्रमाण भी मिलता है, किसी का कुछ किया कराया भी होता है तो वह भी पूर्ण रूप से दूर हो जाता है। अब ऐसे में आप सभी कहेंगे कि दीदी आप कह रहे हैं कि बिना नहाए धोए, तो आपकी क्षमता है नहा धोकर करते हैं तो अति सुंदर है, अति उत्तम है, बहुत पवित्र है। नहीं कर पाते तो देखिए अपनी अपनी क्षमता है, जैसा मैं बता रही थी एक चावल का दाना अगर आप इसके पर रख देते हैं ना तो वह चावल का दाना आप उठाकर अलग रख लीजिए और जल का जो पात्र है उसे घर के मुख्य द्वार पर छिड़कने के बाद जब स्नान जो पूजा पाठ का कार्य होता है उस जगह पर आप सभी जो चावल का दाना होता है उस कटोरी को उठा के अलग रख दीजिए, जल का पात्र बाहर छिड़क दीजिए और जो चावल का दाना है मेरे पितरों ने यह ग्रहण किया है और इसमें सभी
जो है दोष कष्ट मिट जाएंगे, इस भावना से स्वधा 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 5 बार बोलते हुए जो आपने एक चावल का दाना लिया है ना, उसे आप सभी शिवलिंग के ऊपर, घर के ही शिवलिंग में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है समर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए गुरुजी के मुख से भी आप यह उपाय सुन सकते हैं, भाग्य बदल कर रख देगा। पहले उपाय की हमने बात कर ली, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा जल का लोटा आपको आवश्यक रूप से, आप सभी रखते भी होंगे, अपने घर के मंदिर में रखना है। घर के मंदिर में एक जल का लोटा, हमारे जो देवी देवता होते हैं उसकी सुगंध से, उसके आस्वादन से उसे ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं। और जिसके रसोई घर के साथ साथ एक मंदिर में भी हमेशा जल का लोटा रखा रहता है, कहा जाता है घर के सभी कोण, ईशान कोण या सभी कोण को जो है यह बैलेंस करने का कार्य करता है। जैसा मैंने शुरू में बताया, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व को बैलेंस करने का कार्य करता है। बहुत सुप्ता के रूप में यह जाना जाता है। तो आप सभी को क्या करना है कि एक जल का लोटा रोज की पूजा इत्यादि से निवृत्त होकर सुबह के समय रखना है। शाम के समय आप सभी को उसे घर पर छिड़काव करना है, भोजन के स्वरूप में आप डाल सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। बचा हुआ जल किसी भी पेड़ इत्यादि के नीचे रख दीजिए। फिर यही प्रक्रिया शाम के समय में आप सभी रात्रि भर जल का लोटा अपने घर के मंदिर में रखेंगे, सुबह के समय वापस यही प्रक्रिया आप सभी नियमित रूप से अपनाएंगे। घर पर जो भी आप जो है, मैं श्राद्ध पक्ष की ही बात नहीं कर रही हूँ, हमेशा इस नियम को आजमा कर देखिए। भारी से भारी रोग कष्ट स्वयं छूट जाएंगे और मनोकामना तत्काल पूर्ण होगी। साथ ही इन दो जगहों पर जल का लोटा रखने के साथ साथ आप सभी को इस पितृ पक्ष में नियम बांध लेना है। इन 16 दिनों में शाम के समय आप घर के बाहर या जो है सामान्य सरल तरीके से रसोई घर या घर पर जो भी आपने मंदिर बना रखा है, जहां आपकी इच्छा करती है, और अपने जो पितृ हैं उनका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः ऐसा कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती का और घी का दीपक हमारे पितरों को, या तिल्ली के तेल का हमारे पितरों को दीपक बहुत प्रिय होता है। तो इन दोनों की स्थिति अभी से लाकर रख दीजिए। कितना तेल लगेगा, कितना घी लगेगा इन 16 दिनों में, सुंदर भाव से कि हमारे पितर इनसे तृप्त होंगे, मनचाहा हमें जो है वरदान प्राप्त करवाएंगे, प्रसन्न होकर अपने लोक की ओर जाएंगे, इस भावना से आपको रोज यह नियम बना लेना है। यकीन मानिए परिवार में भारी से भारी रोग दोष कर्ज मिटेंगे और तत्काल मनोकामना सिद्ध होगी। किसी भी तरह से पितृ अतृप्त हैं तो वह तृप्त होकर जाएंगे, आपकी भूल चूक को क्षमा प्रार्थी करेंगे और मनचाहा वरदान आपको प्राप्त होगा। साथ के साथ इन दिनों आप सभी जानते होंगे, इन कार्यों के साथ साथ सरलतम तरीके से मैं जानती हूँ कि आप सभी श्राद्ध कर्म भी करेंगे, तर्पण भी करेंगे, अपने पितरों के नाम का जलदान, अन्नदान, भूदान भी करेंगे, परंतु प्रत्येक महिला और पुरुष को यह नियम बांध लेना है कि 16 दिनों में आवश्यक रूप से प्रथम रोटी गौ माता के लिए पितरों का भाव करते हुए मेरे पितृ इससे तृप्त होंगे। अन्य दिनों आप देवताओं के भाव से कर रहे होंगे, अति उत्तम है, परंतु 16 दिनों में आप गौ माता को रोटी दे रहे हैं तो अपने पितरों का स्मरण करते हुए करें, बहुत सुफलों की प्राप्ति होगी। अंतिम जो रोटी है वह स्वान को जाएगी इस भाव से कि इससे मेरे पितर जो है तृप्त होंगे, ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः ऐसा कहते हुए आप कार्य करें। निश्चित ही आपके भाग्य खुलेंगे। हमारे पितरों का दिया हुआ, आपके पास इतना कुछ है, नाम है, कुछ भी उनका दिया हुआ, सिर्फ आशीर्वाद ही हमारे लिए पर्याप्त है। वह है हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, उन्हें जो है सदगति प्रदान हो, शिवलोक में स्थान प्राप्त हो, बस यही सरल सा कार्य है। मैंने प्रयत्न किया आपको पूर्ण रूप से संक्षिप्त भाव से बता सकूं। वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, मुझे कृपया बताएं। सभी सवालों का जवाब, नए नए जो विचार हैं आप सभी के मुझे प्राप्त होंगे तो उस पर वीडियो बनेगी। श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।